हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वैष्णवी कुर्वे। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ पपाया फेशियल शेयर करने वाली हूँ। गाइस पपाया फेशियल मैंने ओरिजिनल जो पपाया होता है उससे भी बताया है कि फेशियल किस तरीके से करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं यहाँ पे एक इमेज लगा दूंगी, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। जो जैसे इस तरीके से किट होती है, ये फेशियल किट है, तो अगर आपको फेशियल किट से नहीं करना है तो आप ओरिजिनल पपाया से भी फेशियल कर सकते हो। उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, सो प्लीज चेक माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ पपाया फेशियल शेयर करने वाली हूँ। एंड गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे बहुत सी लड़कियों को जैसे फेशियल करते हैं तो पता ही नहीं होता है कि स्टार्टिंग में कौन सा फेशियल करना चाहिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि अगर आपने अभी तक फेशियल नहीं किया है तो सबसे पहले आप फ्रूट फेशियल कीजिए, उसके बाद ही डायमंड, गोल्ड या हाई कंपनी पर जाइए। सबसे पहले फ्रूट फेशियल करना बहुत जरूरी है। अगर फ्रूट फेशियल नहीं भी करते हो तो क्लींजिंग तो भी कीजिए, जो क्लीनअप होता है वो तो भी कीजिए। तो क्या होता है ना गाइस, अगर आप क्लीनअप करते हो या पपाया जैसे जो मैंने बताया फ्रूट फेशियल करते हो, अगर आप फ्रूट फेशियल्स करते हो तो उससे आपकी स्किन के टाइप्स पता चल जाता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको सूट नहीं हो रहा है तो ज्यादा आपको रिएक्शन नहीं होगा फ्रूट फेशियल से। हाँ, अदरवाइज अगर आप दूसरा कोई फेशियल करते हो, जैसे लोटस में मैं बोलूंगी, जैसे लोटस में डायमंड का हो गया, लोटस में गोल्ड का हो गया या VLCC के प्रोडक्ट हो गए, अगर आप इसमें जाओगे ना गाइस तो आपको, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है ना तो आपको डेफिनेटली इचिंग होगी, आपको प्रॉब्लम होगी, फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ जाएंगे। तो प्लीज आप इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम आप जब फेशियल करते हो तो फ्रूट फेशियल सबसे पहले कर कीजिएगा, एंड उसके बाद ही दूसरे फेशियल को आप यूज कर सकते हो। गाइस जो ब्राइड्स होती है, जैसे जो दुल्हन होती है, जैसे टीनेजर्स लड़कियां होती है, उनको फेशियल कौन सा करना चाहिए या किस तरीके से, मतलब कभी फेशियल किया ही नहीं है और उनको फेशियल करना है, तो सबसे पहले जैसे आपकी शादी को 15-20 दिन है या 1 मंथ है, तो 15 दिन पहले आप फ्रूट फेशियल कीजिए, एंड उसके बाद ही आप मतलब हाई क्वालिटी के फेशियल पे जा सकते हो। गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगी, सो प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। एंड आपको हर पार्लर में हर कोई ये सजेशन नहीं देगा, एंड हर पार्लर वाले आपको ये सब नॉलेज नहीं देगा, बट प्लीज अगर आप मुझे फॉलो करते होगे या जैसे अब मैं जो बताती हूँ, अगर आपको अच्छा लगता होगा सो प्लीज इसे जरूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप फ्रूट फेशियल कीजिए एंड उसके बाद ही बाकी के फेशियल कर सकते हो। तो गाइस चलो बताती हूँ मैं। तो ये है ग्लो रिच का फेशियल। तो ये गाइस हर्बल कंपनी का है। हर्बल कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी होती है, जो नेचुरल होता है वो होता है इसमें। तो ये पपाया से बना हुआ है, ये फ्रूट फेशियल है, पपाया का फेशियल है। तो इसका प्राइस मुझे 495 लिखा है पीछे इसका प्राइस, बट ये आपको 300 या अगर ऑफर हो गए तो बहुत कम दामों में भी मिल जाएंगी। मैंने ये ऑफर में ही परचेज किया था। तो गाइस इसमें क्या लिखा है, बेस्ट बिफोर 24 मंथ फ्रॉम द जो आप इसे जैसे यूज करते हो, तो ये 24 महीने तक चल सकती है। डेट इन केस ऑफ इरिटेशन वॉश इमिडिएटली। अगर आपको कोई भी हीचिंग हो रही है, खुजलाहट हो रही है इस फेशियल किट से, तो आपको तुरंत ही इससे जो फेस है ना तुरंत धो लेना चाहिए। एंड इसको जो स्टोरेज है, जैसे इसे स्टोर करके रखते हैं तो कूलिंग एंड ड्राई स्पेस पे ही रखिए, जहाँ गीलापन है वहाँ बिल्कुल भी ना रखिए। एंड गाइस इसमें टोटल लिखा हुआ है ऑल स्किन टाइप, ये हर स्किन को यूज कर सकते हो जिनकी पिंपल्स वाली स्किन है। एंड गाइस जैसे आपको पता ही होगा कि मेरा पार्लर है, तो ये जो फेशियल किट है ना, ये मैंने हर स्किन पे ट्राई करके देखा है। मैंने ड्राई स्किन पे भी देखा है, मैंने ऑयली स्किन पर भी देखा है, एंड जिनको बहुत सारे पिंपल्स होते हैं उनकी स्किन पे भी देखा है, एंड जिनने कभी भी फेशियल नहीं किया है, जो लोग कभी फेशियल करते ही नहीं है, उनको भी मैंने इस किट को यूज किया है। और ये मेरी सबसे फेवरेट किट है,
बहुत अच्छा रिजल्ट है गाइज इस किट का। एंड अभी इसके स्टेप्स कैसे करने हैं, अगर आप खुद घर पे लाके करते हो तो इसके स्टेप्स कैसे करने हैं, मैं पूरे वीडियो में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो गाइज ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज इस फेशियल में इस तरीके से देखिए चार बॉटल्स दी हुई है, एक में स्क्रब, मसाज क्रीम, जेल एंड पैक। तो ये सब ही इसी में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप इसी किट परचेज करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी आपको फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, बट मैं आपको सजेशन ये दूंगी कि आप कोई मार्केट से आसपास जो मार्केट होगा वहां से लाइएगा। अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। तो आज मैं ये फेशियल करने वाली हूँ। एंड गाइज ये फेशियल मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो चलिए बताती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी क्लींजिंग हो आप उसे अच्छे से फेस को क्लींजिंग कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने एक बाउल में वाटर भी लिया है एंड इस तरीके से पफ भी लिया है। तो गाइज देखिए ये मैंने क्लींजिंग मिल्क लिया है, ये वाला एलोवेरा वाला क्लींजिंग मिल्क है और बहुत ही अच्छा है, ये B1 का है एंड बहुत ही अच्छा है। मैं इसे यूज कर रही हूँ तो इसका रिजल्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड मेड इन इंडिया है इसका जो बनाया गया है, ये इंडिया का ही है। तो चलिए बताती हूँ मैं इसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले इस पंप से मैं थोड़ा सा क्लींजिंग मिल्क ले लूंगी, देखिए इस तरीके से, एंड अपने फेस को अच्छे से कर लूंगी क्लींजिंग। गाइज मुझे थोड़े से ब्लैक हेड्स भी हो गए थे तो मैं भी क्लींजिंग होने के बाद ब्लैक हेड्स निकाल लूंगी। तो देखिए गाइज अभी इस वाइप से मैं पूरा फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। तो देखिए इस तरीके से इसका डॉट निकला है। तो अभी मैं लगा लूंगी इसका जो ग्लोरीज का फेशियल करने वाली हूँ इसका स्क्रब। गाइज मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग बोलते हैं कि बहुत सारा क्रीम लेना चाहिए, बहुत सारा लगाना चाहिए तब ग्लो आता है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मसाज अच्छी तरीके से करोगे तो ग्लो फेस पे जरूर आएगा। आप अगर इतना सा भी क्रीम लोगे ना तो आपके फेस पर ग्लो आएगा, बट बात इस चीज की है कि जो आपकी मसाज स्टेप्स है वो परफेक्ट होना चाहिए एंड मसाज का जो प्रेशर गिरता है ना फेस पे वो अच्छा होना चाहिए, तो आपका जो फेशियल है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए इस तरीके से मैं क्रीम लगा लूंगी, मैंने ज्यादा क्रीम नहीं लिया है। लोग बोलते हैं ऐसा कि ज्यादा क्रीम लेने से बहुत ग्लो आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर से मैं पानी का हाथ ले लूंगी एंड इसे अच्छे से पहले क्रीम को अच्छे से लगा लूंगी, उसके बाद मैं स्टेप बताती हूँ आपको। तो देखिए फर्स्ट स्टेप, तो देखिए स्क्रब होने के बाद फेस को अच्छे से कर लूंगी क्लीन। सो गाइस स्क्रब होने के बाद लगा लूंगी मैं मसाज क्रीम।
मसाज क्रीम होने के बाद यहाँ पे देखिए मैं जेल लगा रही हूँ और अच्छे से जेल से भी मसाज कर लेंगे। एंड गाइस जो जेल है उसे हमें फेस पे ऑब्जर्व होने देना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से स्टेप फॉलो कर रही हूँ। गाइस मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट मोशन में किया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेंथी ना हो। तो देखिए अच्छे से जो मसाज क्रीम है ना वो अच्छे से देखिए ऑब्जर्व हो गई है। अभी मैं बता रही हूँ कि जब भी आप फेशियल करते हो तो आपके नेल्स कटे हुए होना चाहिए, तो इस तरीके से मसाज कर लेना है आपको पूरे फेस पर। और मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखा रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता नहीं पाई पूरी बातें। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरे फेस को अच्छे से मसाज कर लिया है एंड फेस बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो गाइस फेस देखिए, ये मैंने जेल लगाया था, मतलब जेल लगाया है एंड जेल पूरा ही ऑब्जर्व होने दिया है मैंने फेस पे। तो इसके बाद है गाइस पैक, तो इसका जो पैक है ना वो भी जेल बेस में ही है। देखिए इस तरीके से ये पिलअप मास्क ही है, तो ये लगा लेंगे बट मैं नहीं लगा रही हूँ ये वाला मास्क। तो जेल लगाने के बाद फेस में ऐसे ही रखने वाली हूँ एंड 2 से 3 घंटे तक कुछ भी अपने फेस पर अप्लाई नहीं करूंगी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आप इसी तरीके से स्टेप फॉलो करोगे तो आपको पूरा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा वीडियो। आप मेरी वीडियोस बार बार देखा कीजिए तो आपको फुल स्टेप भी पता चली जाएंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको ये फेशियल? आई होप कि ये फेशियल आपको पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल टेक्निक बताई है मैंने, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो जो स्टेप्स मैंने बताई है उसी स्टेप्स को फॉलो कीजिए, या आप पार्लर से भी कर सकते हो इस किट को। और अगर आप ब्राइड हो और आपने कभी भी फेशियल नहीं किया है तो आप प्लीज फर्स्ट टाइम इसी फेशियल किट को यूज कीजिएगा। अगर ये नहीं मिलती है तो कोई भी कोई भी फ्रूट फेशियल हो उसे यूज कीजिएगा, तो आपका फेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सेंसिटिव भी स्किन है ना गाइस तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको इचिंग हो रही है या खुजलाहट, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है फेस, बहुत ज्यादा रैशेज हो गए हैं, तो आपको तुरंत इसे पानी से वॉश कर लेना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइस जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।